लीजिए, करण कुंद्रा को मिल गया है मुनव्वर फारूकी से धोखा। जो यहाँ दोस्तों इतने जबरदस्त तरीके से करण कुंद्रा ने मुनव्वर फारूकी को बिग बॉस 17 के अंदर जा तक करके सपोर्ट किया, यहाँ तक कि वो बाहर भी उनके लिए वोट अपील वगैरह कर रहे थे। पेप्स वगैरह जब भी उनको सपोर्ट करते थे, हमेशा वो ये बात बता देते थे कि भाई मुनव्वर फारूकी जो है मेरा फेवरेट है, वो दिल का बहुत साफ बंदा है। हालांकि कई सारी चीजें उस पर एलिगेशन लगे हुए थे, तब भी यहाँ पर आपको बता दूं कि करण कुंद्रा हमेशा बोलते थे कि भाई उसको सपोर्ट करो, वो अच्छा है, वो अपने आप को सुधारेगा, ये बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। लेकिन दोस्तों उस सब के बावजूद यहाँ पे ऐसा अब यहाँ पर निकल के चीजें सामने आ रही है कि भाई आखिरकार मुनव्वर फारूकी ने धोखा तो दे ही दिया, यहाँ पर करण कुंद्रा तक को धोखा दे दिया, जिसने यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए क्या तक नहीं किया यहाँ पर मुनव्वर फारूकी के लिए। अब दोस्तों ये बातें क्यों निकल के सामने आ रही है, दरअसल दोस्तों यहाँ पर करण कुंद्रा का एक जबरदस्त यहाँ पे मूवी पोस्टर उन्होंने अपने यहाँ पे इंस्टा पर लगाया, जो उनकी ही मूवी है आने वाली है, जो यहाँ पर तेरा क्या होगा लवली इस टाइप की मूवी आ रही है, और इस चीज को लेकर के बहुत सारे जो उनके फ्रेंड्स हैं सर्कल में सेलिब्रिटीज वगैरह हैं वो स्टोरी लगा रहे हैं, वो स्टोरी को रीमेंशन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों इन सब के बीच में यहाँ पर मुनव्वर फारूकी ने ना ही एक भी स्टोरी लगाया है, ना इसके बारे में कहीं पर बात की है, और कुछ भी उनकी तरफ से अभी तक रिएक्शन नहीं आया है। इस चीज को लेकर के यहाँ पर जो है फैंस इंपेशेंट हो रहे हैं भाई कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब जिस तरह से जिस बंदे ने तुमको भाई इतना पूरे सीजन में सपोर्ट किया, इतनी ज्यादा तुम्हारे लिए हमेशा बात करता रहा, तुम अब उसके लिए एक स्टोरी तक नहीं लगा सकते, इस तरह की बातें अब यहाँ पर निकल के सामने आने लग पड़ी है। जहां पर दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे फैंस ये तक कह रहे हैं कि भाई ऐसे लोगों को कभी मदद ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपना कहीं ना कहीं बाद में दिखाई देते हैं। भाई एक मिनट, अब एक चीज बताओ भाई कि हो सकता है कि जब यहाँ पर करण कुंद्रा ने लगाया होगा स्टोरी, हो सकता है कि वो नहीं देखे होंगे, ये बहुत ही ज्यादा अजीब हो जाएगा अगर यहाँ पर मुनव्वर फारूकी सपोर्ट नहीं करते, मुझे भी आश्चर्य लगेगा। लेकिन इतनी जल्दी हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी यार थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, अगर कुछ दिन के बाद कुछ समय के बाद इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं आता, तब यहाँ पर अगर फैंस कुछ कहते हैं तो वो थोड़ा जायज और वैलिड भी लगता है। लेकिन इतनी जल्दी इस तरह से जज करना कहीं ना कहीं गलत है। और मान लीजिए कि उनको टाइम नहीं मिला और उन्होंने यहाँ पर स्टोरी नहीं लगा पाई है, सपोर्ट ऐसा कुछ दिखा नहीं पाए, बोल नहीं पाए, इसका मतलब ये नहीं कि भाई दोस्ती खत्म हो जाती है, दोस्ती इन चीजों से खत्म नहीं होती। आपको क्या लगता है दोस्तों कि मुनव्वर फारूकी ने गलत किया ये चीज करके? कमेंट करके हमें जरूर बताएगा, पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।